जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु पा जी, मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संग जी, पहले मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो मैसेज आते थे कि अपना भी शुक्राना सत्संग करो, पर मुझे नहीं मालूम था कि अपना ही सत्संग करने को ही शुक्राना सत्संग कहते हैं। संगत जी, जो भी मैं सत्संग करूँगी वो गुरु जी ही करवाएंगे मुझसे सत्संग। संगत जी, समाधि दिवस के बाद मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे भी गुरु जी का ब्लेसिंग स्वरूप मिले। फिर मैंने ऐसे ही अनु आंटी जी को कॉल करी तो मैंने अनु आंटी को बोला, मुझे भी गुरु जी का ब्लेसिंग स्वरूप दो। उन्होंने बोला, अगर आप जम्मू में हैं तो मुझसे ले सकते हो, पर मैं जम्मू से नहीं थी। फिर उन्होंने बोला, आप गूगल से निकाल कर फोटोशॉप में जाओ और निकाल लो गुरु जी का स्वरूप। पर मुझे ऐसे मन बेचैन हो रहा था कि मुझे स्वरूप मिले ही मिले। मैं दोपहर को ही फोटोशॉप पर गई। मैंने अपने फ़ोन से गुरु जी का स्वरूप शॉप पर दिखाया। जेलो चोले का स्वरूप था। मैंने दुकान वाले भैया को बोला कि ऐसे ही ये जेलो चोले वाला स्वरूप मुझे निकाल दो। भैया ने बोला, आंटी जी, ऐसे मैं निकालूंगा तो साफ नहीं आएगा, स्वरूप ब्लर हो जाएगा। और ऐसा करता हूँ, मैं जहाँ से भगवान के स्वरूप लेकर आता हूँ, मैंने ऐसे ही गुरु जी का स्वरूप देखा है। मैं जब सिटी जाऊँगा तो मैं आपके लिए ला कर दूँगा। शंकर जी, मैंने कुछ नहीं बोला स्वरूप के लिए भैया को और मैं घर आ गई। मैंने सोचा, पता नहीं ये भैया कब जाएंगे तो मुझे ये ला कर देंगे गुरु जी का स्वरूप। मैंने फिर फ़ोन खोला तो फ्लिपकार्ट खोला तो मैंने जेलो चोले का स्वरूप जो फ़ोन में डाउनलोड किया था वही मैंने स्वरूप ऑर्डर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। 6 तारीख थी उस दिन, 6 तारीख का मैंने ऑर्डर किया हुआ स्वरूप मेरा 9 को आ गया। शुक्राना गुरु जी। जब शुक्राना गुरु जी का घर में स्वरूप आया वो मंगलवार का दिन था। फिर मैंने शाम को गुरु जी का स्वरूप घर में वेलकम बैंड से स्वागत किया गुरु जी का। फिर मैंने शाम को कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया। फिर मैंने गुरु जी को भोग लगाया। संगत जी, मैंने दूसरे दिन बुधवार को सुबह गुरु जी की जोत जलाई और चाय प्रसाद रखा, लंगर प्रसाद रखा। फिर मैंने मन में कहा, गुरु जी आज भी चाय पी लो, प्रसाद का भोग लगाओ, फिर मैं ये चाय प्रसाद सबको बच्चों में बांट दूँगी। मैं ऐसे ही गुरु जी को देख रही थी, बैठी रही पास तो देखती रही और मन में बोलती रही कि गुरुजी पी लो चाय। तो शंकर जी, मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी के लिप्स पर चाय का ड्रॉप्स लगा है। मैं उठकर गुरुजी के स्वरूप के पास गई और देखती हूँ सचमुच गुरुजी ने अपने चाय पी ली है, चाय का भोग लगाया। मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी ने मुझे फिर से एहसास कराया कि मैं इधर ही हूँ, अब घर में हूँ। यह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, अपनी पगली दी का हाथ पकड़ने के लिए। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। अगर बोलने में कोई संगत जी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना गुरु पाजी, माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना।